हेलो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाऊंगा एलिट कट ब्लाउज कटिंग, बैक स्क्वायर और फ्रंट राउंड। एक ऐसा होगा, हम ये कटिंग करके दिखाऊंगा आप लोगों को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आधा इंची निशान लगाया सिलाई के लिए। सिलाई छोड़ के इसका लेंथ होगा 15 इंचेस। ये शोल्डर का निशान है, इसको शोल्डर ले लेंगे 12 इंचेस, डबल में 6 इंचेस, और इधर भी एक निशान लगाएंगे 2 इंचेस, और सिलाई के लिए 1/4 इंची ज़्यादा है, और अमूल ले लेंगे 6 1/4 इंचेस। इसको चेस्ट होगा 43, एक इंची कम 43, वेस्ट होगा 36 1/2। ये 36 1/2 और टेकिंग के लिए 1 इंची ज़्यादा, और डॉट पॉइंट ले लेंगे 4 इंचेस से, माने 8 इंचेस दूर होगा। अब निशान लगाएंगे, और ये डार्ट दे देंगे 4 1/2, ये होगा सिलाई के लिए 1/4 इंची रख देंगे। इसको नेक होगा स्क्वायर, स्क्वायर में ब्रेथ ले लेंगे 6 इंचेस, अमूल को सेप आएगा ऐसी राउंड से। आप बैक को कटिंग करेंगे, सिलाई छोड़ के कटिंग किया है, साइड में कपड़ा का मार्जिन छोड़ दिया, ये हो गया बैक। फिर ये कपड़ा को हम ऐसे घुमा लेंगे, ऐसे घुमा लिया, घुमाने के बाद ये बैग ऐसा ही ऊपर आएगा।
इधर एक इंची डाट के लिए ले लिया, एलिट काट के लिए डेढ़ इंची ज़्यादा रख दिया। और साइड का मार्जिन रख दिया एक इंची, और फ्रंट ओपन होगा इसके लिए सिलाई छोड़ दिया आधा इंची। बस इसको बैक को उठा लेंगे। अब इसको डार्ट होगा, शोल्डर से सिलाई छोड़ के डार्ट होगा 10 इंचीस, ए 10 इंचीस, और सिलाई छोड़ के डार्ट पॉइंट ले लेगा 4 इंचीस। एक इंची छोड़ के मालिक दे रहा हूँ, एक राउंड में होना चाहिए। इसको बाद हम ले लेंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच, ऐसा शेप आएगा। ये डॉट आएगा और फ्रंट में इतना ही छोड़ दिया क्योंकि ये साइड में इतना ही बाद दे देगा। अच्छा, फ्रंट लो होगा 8 इंचीस, सिलाई छोड़ के शोल्डर से 8 इंचीस, ऐसे राउंड होगा। ये राउंड कोना घुमाने से आएगा। अच्छा, पहले नेक लाइन काटेंगे हम। इसको बाद एलिट काटेंगे। अच्छा, एलिट को वेस्ट होगा 36.5। ये 36 सिलाई छोड़ के, ये सिलाई छोड़ के 36.5। अच्छा, एलिट हो गया। इसके बाद साइड डार्ट को ऐसे मोड़ के इसको भी काट देंगे, और अमूल डार्ट को भी इधर जितना ही ले लिया उतना ही बाद दे देगा। अच्छा, ये फ्रंट कटिंग हो गया। इसके बाद
स्लीव्स काटेंगे। आप स्लीव्स काटेंगे, ये कपड़ा डबल लेयर का है, दोनों स्लीव्स आएगा। हल्का सा शेप दे देंगे। सिलाई के लिए छोड़ दिया आधा इंच, तो हाथ का लंबाई है 9.5। ये सिलाई छोड़ के 9.5 इतना आएगा, सिलाई के लिए 10 इंच ले लेगा। उसका बाद यहाँ से ले लेगा 4 इंच। के बाद इसका मोरी होगा 11.5, ये आधा में 11.5 ये आएगा। और आमूल का शेप आएगा, ये बैक है, ये बैक को नाप लेंगे आमूल को। आएगा 9 इंचेस, हम ले लेंगे 9.5, आधा इंची ज़्यादा ले लेंगे। आमूल होगा 19 इंचेस। आप स्लीव को ऐसा शेप दे देंगे और हल्का सा इधर भी शेप दे देंगे, क्योंकि लंबाई स्लीव्स है इसीलिए थोड़ा सा शेप दे देंगे। यहाँ जॉइंट आएगा थोड़ा सा, क्योंकि भारी चेस्ट है इसीलिए। इसका बाद यहाँ सेंटर में चिन काट लेंगे। इसका बाद हल्का सा फ्रंट में जो आएगा हल्का सा काट देंगे। ये फ्रंट में आएगा, अच्छा ये ब्लाउज कटिंग हो गया। ये बैक है, बैक को नेक अब काट देंगे। ये बैग में स्क्वायर आएगा, ऐसे स्क्वायर आएगा। ये बैग हो गया, और ये दोनों फ्रंट आएगा, एक राइट और एक लेफ्ट, ये दोनों फ्रंट आएगा। बस अब ब्लाउज कटिंग हो गया, इसके बाद स्टिचिंग होगा।